दोस्तों अभी इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट ऑफ 1440 बाय डीजर मेथड कैसे निकालें, बिल्कुल सिंपल आसान शब्दों में समझेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। देखिए ये दोस्तों आपका कितना 1 2 3 4 5 डिजिट नंबर है, तो इसके साथ आप ये भी समझें कि 5 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाले जाते हैं। और जो मैं तरीका बताऊँगा वो आपके यानी सभी जगह काम आएगा। चलिए 1 2 1 2 1 क्या करना है, दो डिजिट का पेयर बना दिया, अंदर सिंगल डिजिट आ गया, ठीक है। कितना आ गया अंदर आपका एक। ये जो अंदर एक आया है इसके आधार पे हम एक ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे जिसका खुद के साथ मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आ रहा है, ये वाला वैल्यू क्या रहना चाहिए, इसके इक्वल टू या इस संख्या से कम होना चाहिए। देखिए हमने 1 × 1 किया, कितना आ रहा है 1, जो इस 1 के क्या है, बराबर है। यानी हमने अपना 1 × 1 को यहाँ लॉक कर दिया। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप देखिए, इसको हम ऐसे व्यवस्थित करेंगे, इनका मल्टीप्लाई यहाँ लिख देंगे, एक बार यहाँ ऊपर लिखा जाएगा। उसके बाद तीसरा स्टेप ध्यान से देखना दोस्तों, इनको ऐड किया जाता है, इसको माइनस किया जाता है, 1 + 1 2 आ गया, 1 − 1 0 आ गया। जो अगला ग्रुप है इसको हम यहाँ ले आते हैं। अब देखिए आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। चेंज क्या है, जैसे यहाँ हमने संख्या का खुद के साथ मल्टीप्लाई किया था, ठीक वैसे ही यहाँ पे इसके साथ संख्या को लेंगे, उसका मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर जो भी आपका वैल्यू आ रहा है, वो जो हमने यहाँ इसके लिए कंडीशन चेक की थी, अब वो इसके लिए चेक करेंगे। यानी इसके बराबर या इससे कम होना चाहिए। 2 लिया 2 का मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 44, जो इसके बराबर है। यहाँ पे हमने किसको लिया दोस्तों, अपना 2 को लिया है। उसके बाद माइनस किया, 0 आ गया। प्लस करना है, कितना आ गया। अब जो अगला 00 है इसको हम यहाँ ले आएंगे। अब हम क्या करें, देखिए जब 0 आ गया तो फिक्स है, यहाँ 0 लिया, 0 का मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 0 आ गया। किसको लिया दोस्तों, हमने अपना 0 को लिया। उसके बाद माइनस किया, 0 आ गया। आगे हमारे पास देखिए कोई भी ग्रुप नहीं बचा हुआ, यानी प्रोसेस कंप्लीट हुआ। यह जो आपका वैल्यू निकला है ये क्या है, स्क्वायर रूट का वैल्यू। देखिए स्क्वायर रूट को हम अपना अनरूट सिंबल के द्वारा लिखते हैं, तो ये बराबर कितना निकल गया आपका, 120 निकल गया। और इसको आप दूसरे ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। ट्रिक क्या है, बिल्कुल सिंपल। देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसका अनरूट को ऐसे लिख सकते हैं, 100 का अनरूट और 144 का अनरूट। ये हम जानते हैं कितना 12 होता है, ये हम जानते हैं कितना 10 होता है। इनका मल्टीप्लाई कर दिया, कितना 120 आ गया।